हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी अनु। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो गई है और मैं रेडी हो रही हूँ, ब्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। तो मेरा ब्लॉग देखेगा एंड तक। और सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो अभी के अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो आज पूरा दिन मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ आप लोगों के साथ में रहूंगी, पूरा दिन शेयर करती रहूंगी आपसे, और बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो चलिए, अभी मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने अभी ये देखिए ये वाला सूट पहना है ये। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा सूट कैसा लग रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके तो गाइस, तैयार मैं हो गई हूँ और चाय भी मैंने पी ली है और अब बच्चे को लगी है भूख, तो उसके लिए मुझे बनाने हैं पराठे। बोल रहा था मम्मी थोड़ा सा पराठा बना दो, दो या तीन। तो चलिए मैं जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, फिर चलते हैं। तो देखिए ये देखिएगा, ये रख दिया मैंने गैस का तवा और ये गूंदा रखा है मेरा आटा मेरा, और मैं बना रही हूँ पराठे, ठीक है? तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए, आम के अचार के साथ में और मिर्च का भी और ये देखिएगा गाइस मेरी हालत, देखो क्या हालत हो रही है मेरी खाना बनाने के बाद में। तो चलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से और आ जाइए आप लोग। तो लीजिए पराठा मेरा बन चुका है, आ जाइए खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए आम का नहीं, ये है मिर्ची का अचार और है पराठा, और इसमें ग्लास में है चाय। तो आ जाओ फटाफट से। तो गाइज अब हम रास्ते में चल रहे हैं और रोड पे देखा आपने अभी यहाँ पे कुछ लोगों ने ना जाम लगा रखा था मतलब रोड पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई है। उन लोगों ने मतलब डेड बॉडी भी रखी हुई थी ट्रॉली के अंदर और पब्लिक पूरी इकट्ठी हो रखी थी, पुलिस वुलिस सब मतलब रोड बंद कर रखा था। तो हम साइड से निकल गए हैं, छोटी गाड़ियाँ निकल रही। और देखिए फ्रेंड्स अब हम गांव के आसपास पहुंच गए हैं। यहां पर देखिए ये नहर है साइड में, नहर में मतलब पूरा पानी जा रहा है और बरसात के मौसम में तो ये मतलब एकदम ओवर हो जाता है। और देखिए इधर रोड बनी हुई है, बहुत कम सवारियां चलती हैं यहाँ पर, तो कोई मतलब भूली भटकी गाड़ी इधर से निकलती है। और रास्ता थोड़ा टूटा फूटा हो रहा था तो हम लोगों को पता नहीं था, तो हम इधर से ही चले गए। तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है यहाँ से जाने में ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने एरिए में, और ये देखो हमारा पड़ोस, ये है नहर, गंग नहर बोलते हैं इसको। और ये देखो सामने कितनी हनुमान जी की कितनी मतलब विशाल मूर्ति है, हाथ जोड़ लो सब। तो ये देखिए ये है मेरी मम्मी हेलो बोल रही है, और ये मेरा भाई डिम्पल अंकित नागा, जैसा कि आप लोग इसको जानते ही हो, इसकी शक्ल तो देखी हुई है। और मम्मी का मेरी का ये हाल हिलता रहे और ये पापा जी बैठे हैं इधर, ये देखो पापा जी ऐसा कर दो हेलो करो
हाँ पापा जी को तो मैंने दिखाया था, घर पे गए थे जब भी मिलवाया है। ये हैं पापा जी और ये है मेरी मदर इंडिया मम्मी। मम्मी कैसा लग रहा है बच्चों से मिल गया आप बताओ? अच्छा लग रहा है। आपकी दोनों बेटी और बेटा अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मैं दिखाती हूँ आपको तो गांव में मैं आ चुकी हूँ और मम्मी पापा जी ही यहाँ पे रहते हैं और कोई रहता नहीं है, भाई बाहर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा है नहीं दिखाने के लिए, गांव का कल्चर है, गांव के लोग हैं, सिंपल सीधे आदमी हैं, सीधी सिंपल लाइफ जीते हैं। और उधर देखो उधर भैंस बंधी हुई है जो बफेलो होती है वो मतलब, और यहाँ अंदर भैंस बंधी हुई है। मेरी तरफ ना सर हिला रही थी बहुत तेज तेज, सींग हिला रही थी अपने, तो डर लग रहा था मुझे। भाई बोल रहा था कि नहीं मारती नहीं है वो, खुद ही डर रही है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे डर लग रहा है क्योंकि जानवर है, पता नहीं अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो ये तो टक्कर ही मार देगी सीधी। तो देखिए गाइस शाम हो चुकी है और अब मैं दिखाऊँ आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी अभी। ये देखो ये देखो ये पेड़ की छटाई चल रही है। ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया था तो इसको काट रहा है ये डिम्पल, और इसको काट के बिल्कुल एकदम प्लेन कर देगा। और ये मेरा भाई है, बहुत काम करता है, अभी हमारे साथ आया है, अभी खेत पे गया था ये, और खेत पे से आने के बाद में मतलब यहाँ पे पेड़ है इनकी कटाई कर रहा है, मेहनती लड़का है बहुत। और भी डिम्पल क्यों काट रहा है इस पेड़ को? इसे मैं इसलिए छाट रहा हूँ, ये ना बुरा लग रहा है क्योंकि इसकी डालियाँ कुछ इधर जा रही हैं कुछ उधर जा रही हैं, तो मैं इसे एकदम इसका ना डिजाइन अच्छा बना रहा हूँ जो कि देखने अच्छा, में अच्छा। किस चीज़ से हाथ में के लिए रखा है ये? हाथ में दराती है मेरे, दराती ये गांव में काम आती है, इससे चारा काटते हैं खेतों में। चलो इससे तो पेड़ काट रहा है, मेरे पास कैंची तो है नहीं तो कैंची होती छाटने के लिए। चलो सही है, ये जुगाड़ है, देसी जुगाड़ बना रखा है। चलो सही है, कर अपना काम, कर अपना काम, ठीक है। ये देखो गाइस ये टॉपी में लिप्टिस, लिप्टिस के पेड़ है कटे हुए जो बड़े बड़े मतलब लकड़ बनते हैं जिससे बड़े बड़े फर्नीचर बनाए जाते हैं, गेट वगैरह है, गेट हो गया चमक इधर घंटे नहीं है, लाइट है बड़े शानदार रहेंगे। जो किस जगह आ गए हम? तिलकवा, तिलकवा आ चुका है और हम घर जा रहे हैं, घूम के रात हो चुकी है। और ये देखिए रोड पर लाइट कितनी अच्छी लग रही है। और ये देखिए हम लोगों को निकलते निकलते रात हो गई है, और रात में मतलब रोड तो खाली मिल रही है, जाम भी नहीं है, अच्छा है, और मौसम भी थोड़ा ठंड का हो रहा है, दिन में तो बहुत तेज गर्मी हो रही थी, और आज संडे है तो संडे की वजह से भी मतलब जाम वाम कुछ नहीं मिला हमको ज्यादा। तो देखिए मतलब रात के टाइम में रोड तो खुली मिलती है लेकिन रात में ज़्यादातर निकलना नहीं चाहिए क्योंकि कोई ट्रेजेडी हो जाए या कुछ भी हो सकता है रात को। तो मैं तो यही मतलब बोलूँगी सबको कि जितना भी मतलब हो सकता है दिन में ही अपना मतलब ट्रैवल कीजिए, रात को तो अवॉइड ही करना चाहिए ज़्यादा। तो गाइज हम लोग घर पे आ चुके हैं और बज रहे हैं 11:10 हो रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। और अब मैं बस अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, पूरा दिन हो गया, थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से, परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे भी। तो चलिए व्लॉग का, आज के व्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग देखिए, पसंद आए लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट, एंड जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन आता है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट, बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।